फिल्म जो क्रिस्टल है, विषय क्या है इस फिल्म का और स्पेन में शूटिंग करने की खास वजह क्या है इस फिल्म की? हेलो एवरीवन, ये जो फिल्म है क्रिस्टल, ये एक हॉरर मूवी है और ये हम स्पेन में शूट कर रहे हैं। वहाँ की लोकेशंस जो कि हमारे फिल्म को बहुत ये लोकेशन सूट की है, उसके हिसाब से हमने ये स्पेन चूज़ किया है कि हम वहाँ पे अपना फिल्म शूट करने वाले हैं। वैलेडोलिड जगह का नाम है, वी आर गोइंग टू शूट अवर फिल्म देयर। तो ये बताइए, ये जो फिल्म है क्रिस्टल, किन लोगों का सपोर्ट मिला आपको इस फिल्म में? मैंने बॉलीवुड फ्रेंडली बात करें या और भी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, जो भी आपसे करीबी हैं, किन लोगों का सपोर्ट मिला इस फिल्म को बनाने में? हमारी जो कंपनी है दिव्या फिल्म्स क्रिएटिव, ये एक स्पेनिश कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस स्पेन में भी है, इन मुंबई एंड इन स्पेन। और स्पेन में वहाँ पर प्रोडक्शन हाउस है, उन लोग का सपोर्ट है, फिल्म कमीशन वहाँ के और जो वहाँ के मेयर है वहाँ का भी सपोर्ट है हमारी इस फिल्म को। फिल्म का जो शॉट हुआ है वो रियल पैलेस में हुआ है जो कि किंग का बिलोंग करता है, तो इस बात को, इस अचीवमेंट को लेकर कितना प्राउड फील कर रही हैं आप? ये बहुत ही यूनिक वेंचर है और यूनिक इसका शूट भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? यस, इट्स ट्रू। जो ये फिल्म हम शूट कर रहे हैं और जो हमने पैलेस लिया है इस फिल्म में, ये एक रियल किंग का पैलेस है, तो वहाँ पर हम ये अपनी फिल्म शूट करने वाले। तो फिल्म की शूटिंग कब स्टार्ट होने वाली है, शेड्यूल कब है और कब तक देखने को मिलेगा दर्शकों को ये फिल्म? ये अभी फिल्म की शूटिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं अगस्त एंड में, गोइंग टू स्टार्ट इन अगस्त एंड, एंड जल्दी ही सबको ये फिल्म देखने को मिलेगी, बहुत जल्द। फिल्म से दो पाकिस्तानी सिंगर्स भी जुड़ रहे हैं, ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है या क्या कहना चाहेंगे कि, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन किया गया था, आपके विचार से क्या कला में कोई बंधन होना चाहिए, आप क्या समझते हैं इस बारे में? हाँ जी, हमने लिए हैं पाकिस्तानी सिंगर्स, वो हमारे इस फिल्म में हैं। बस ये तो बहुत पहले से ही हमने बात किया था और बाकी इसके ऊपर मैं और कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। दिव्या फिल्म क्रिएशन, क्या विजन को लेकर आपने इस फिल्म प्रोडक्शन हाउस का निर्माण किया, आगे चल के किस तरह की फिल्में बनाएंगे और जो कलाकार, जो स्टार सिस्टम है कि कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर होता है, फिल्म डायरेक्टर होता है, बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर काम करना चाहता है, आपका विजन क्या है इस बारे में? दिव्या फिल्म क्रिएटिव्स, ये हमारे प्रोडक्शन का नाम है और जैसे कि ये मेरी फर्स्ट मूवी है, मैं इस फिल्म की प्रोड्यूसर हूँ और ये मेरी फर्स्ट मूवी है। एंड यस, आफ्टर दिस और फिल्में जो मैं शूट करना चाहती हूँ, बट दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। आप खुद वोमेन हैं, आजकल देख रहे हैं कि वोमेन ओरिएंटेड फिल्म काफ़ी आ रही है, सोशल बेस्ड वोमेन का जो इश्यूज होता है, जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, उस पर काफ़ी फिल्म बन रही है, आपका कोई ऐसा सपना है, कोई ऐसा ड्रीम है कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट पर फिल्म बनाएं और बनाएं तो किस तरह के सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना चाहेंगे आप? ज़रूर सोचा तो है मैंने कि मैं भी ऐसी कोई फिल्म बनाऊँ जो एक वुमेन के ऊपर हो, ऐसी स्टोरी मैं अभी ढूंढ रही हूँ और मैं बनाना चाहती हूँ, बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई दिस प्रोजेक्ट, लेटर ऑन यस आई विल डू। लास्टली ये पूछना चाहूँगी, ड्रीमी प्रोजेक्ट होता है, यू नो, लार्जर देन लाइफ होता है, जहाँ की बड़े कास्ट हो, बड़ा सब कुछ सेटअप हो, बड़ा प्रोडक्शन कॉस्ट हो, आपके हिसाब से आपका जो ड्रीमी प्रोजेक्ट होगा किस तरह का होगा, कौन से सब्जेक्ट पे होगा, क्या कास्ट होगा, ये बताइए। ये हाँ, मेरा जो ये अभी मेरी फर्स्ट मूवी है, बट यस इसके बाद जो मैं फिल्म जो प्रोजेक्ट शुरू करूँगी वो एक मेरा बहुत बड़ा ड्रीम होगा, उसमें बड़े स्टार कास्ट होंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। उसका जो शूट होने वाला स्पेन में, स्पेन ऐसा देश है जो कि बहुत लोग शायद नहीं भी जानते हैं, स्पेन को क्यों चुना आपने इस फिल्म को शूट करने के, ऐसी खास वजह रही आपको? स्पेन वहाँ की जो लोकेशंस है वो जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ की लोकेशन हमारे प्रोजेक्ट में कुछ सीन्स हैं जो कि बहुत फिट बैठती है मेरे प्रोजेक्ट को, और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, एंड यस वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ के एक्टर्स जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, एंड कुछ हम एक्टर्स इंडिया से भी ले रहे हैं, कुछ स्पेन से ले रहे हैं,
जो कि मूवी का नाम है क्रिस्टल। एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है जिसको मैं लॉन्च कर रही हूँ, उसको मैंने क्रिस्टल के कैरेक्टर में लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है तो मैं उसको लॉन्च कर रही हूँ, शी इज स्पैनिश गर्ल। ये भी चर्चा में फिल्म में दो पाकिस्तानी सिंगर हैं और ये जो दोनों सिंगर हैं इस फिल्म के हमेशा भी गाने इतने अहम होंगे, लेकिन अभी आपको मालूम है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन किया गया था यहाँ के प्रोड्यूसर्स, यहाँ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के द्वारा। आपका क्या कहना है इस बारे में कि सही है गलत है, आप क्या कहना चाहेंगे आपके विजन इसके लिए? हाँ जी, हमने पाकिस्तान से सिंगर्स लिए हैं बट ये तो बहुत पहले ही हमारी बात हो चुकी थी, ऑलरेडी सब कुछ फाइनल हो चुका था तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। इंडिया में पहली ऐसी फीमेल प्रोड्यूसर होंगी जो शूट कर रही हैं अपनी फिल्म को स्पेन में रियल पैलेस में, किंग की रियल पैलेस में, कितना बड़ा अचीवमेंट मानती हैं आपने ये और कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखा आपका? हाँ जी, ये बात है कि मैं पहली लेडी प्रोड्यूसर हूँ जो बॉलीवुड को स्पेन लेके जा रही हूँ, और जो हम ये क्रिस्टल मूवी शूट कर रहे हैं ये एक रियल किंग का पैलेस है। आज तक ना ही बॉलीवुड से ना ही हॉलीवुड से किसी ने उस पैलेस में शूट नहीं किया है। मैं सिर्फ ये फिल्म शूट कर रही हूँ वहाँ पर पैलेस में, जो कि बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ की फिल्म कमीशन जिनका बहुत सपोर्ट है हमें, और मिस्टर जॉन मैनल वहाँ के मेयर हैं, मिसेस लोरेटो फ्रॉम फिल्म कमीशन, मिस्टर सौरा मद्रानो जिनके साथ में हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मिस्टर गुलेरमो, ये सब लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमारा प्रोजेक्ट आज इस मुकाम पर पहुँचा है कि हम इसको बहुत जल्दी शूट करने वाले हैं।